हे गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज हम बात करेंगे ईएसआईसी की, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ये नोटिफिकेशन है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये सरकारी नोटिफिकेशन है। अगर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपको आपके स्क्रीन पर आई थी, जो आप ये वीडियो देख रही है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड अपर डिविजन क्लर्क फॉर डायरेक्ट मेडिकल दिल्ली रीजन ऑफिस इन द ईएसआई कॉरपोरेशन। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये मत देखिएगा कि हिमाचल के या पंजाब के या दिल्ली के या कहीं की भी है, आपका जो भी स्टेट है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओपन आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वैकेंसी से। आप जनरल कैटेगरी से है तो भी, और SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पोस्टिंग आपके स्टेट में हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग किसी अदर स्टेट में हो। तो जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको जानकारी मिल सके। तो डिटेल ऑफ वैकेंसीज की हम बात करेंगे। तो नेम ऑफ पोस्ट है, ठीक है, ये वैकेंसी देख लीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, वो है स्टेनोग्राफर। फर्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है, टोटल 6, 3 जनरल की है, SC की एक होगी, ST के लिए एक होगी, OBC के लिए एक पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। कैटेगरी ए में एक पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट होगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम बात करेंगे अपर डिवीज़न क्लर्क की। उसके बाद जो इसकी वैकेंसीज है, टोटल है 61, 61 वैकेंसी ये भरी जाएंगी, 61 पद भरे जाएंगे। 24 है जनरल कैटेगरी के, सामान्य वर्ग के लिए 24 पद भरे जाएंगे। SC ST के लिए 6 पोस्ट ये होगी, अपर डिवीज़न क्लर्क की बात कर रहे हैं हम। OBC के लिए 19 है, और EWS की 6 पोस्टें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल ऑफ PW कैटेगरी की। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है कैटेगरी, जो भी है ABCDE तक, इनको आप देख लीजिएगा। और बाकी जो इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पे स्केल की बात कर लेंगे हम। तो स्टेनोग्राफर के लिए जो आपकी सैलरी होगी, वो जैसे ये 7th CPC लगेगा आपके लिए, सेंट्रल पे कमीशन की जो 7th CPC है, ठीक है, ये लगेगा आपके लिए, और ये आपकी सैलरी होगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है, ये आपकी सैलरी होगी। ठीक है, प्लस इसमें GP ऐड होगी, और सेंट्रल पे कमीशन जो भी है इसमें आपको लग जाएगा। ठीक है, अब जो एस्टिमेटल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, तो स्टेनोग्राफर के लिए आप चाहिए +2 पास। ठीक है, अगर आप +2 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इनको फर्स्ट एंड टू जो है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सीट एंड डाटा बेस, ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे अपर डिविजन क्लर्क की, UDC की। तो इसके लिए आप चाहिए ग्रेजुएट डिग्री आप होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे BA, BCom, BSc, BCom, BBA, ठीक है, BCA जो भी आपने किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग जो सेम इसके लिए ऑफिस सूट एंड डाटा बेसिस, ये सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, और बाकी जो 62 से पहले जो इंडिया में आ गए थे, जैसे रिफ्यूजी वगैरह, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो कंट्री आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं इनके। ठीक है, एज लिमिट क्या होगी, एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए, और 15/4/2019 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 15 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 5 साल की SC ST के लिए छूट होगी, OBC के लिए 3 साल की छूट होगी, मैंने आपको बहुत सी नोटिफिकेशन में बताया। फिजिकल हैंडीकैप जो है जनरल की, उनके लिए 13 साल की छूट होगी, और जो जनरल SC ST से बिलोंग करते हैं फिजिकल हैंडीकैप वाले, उनके लिए 15 साल की छूट होगी। ठीक है, एक्स सर्विस मैन के लिए क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 3 साल एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 3 साल की छूट होगी, OBC के लिए 6 और SC ST की 8। ठीक है, और जो ESIC के एम्प्लॉई गवर्नमेंट सर्वेंट है, हु हैव अटेंडेड इन नॉट लेस दैन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विस एज इन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो इनके लिए एज 40 साल, 43 साल, ये 45 साल बताई हुई है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, मेन आपके लिए हाउ टू अप्लाई, तो आपने कैसे करना है अप्लाई, वो मैंने आपको वेबसाइट हम बता देंगे। 15 अप्रैल तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 15/4/2019
15 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और किस प्रकार से अप्लाई आप करोगे वो हम आपको जानकारी दे देंगे। तो लास्ट में एक वेबसाइट हम बता देंगे आपको, बाकी ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करते आपको पूरी जानकारी होगी। ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है esic.nic.in, इस पर आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं तो बेटर होगा, अगर नहीं आता है आपको अप्लाई करना तो आप कैफ़े में जाकर किसी से भी करवा सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए। ठीक है, बाकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो आप देख लीजिएगा, फीस क्या होगी इसके लिए वो देख लीजिएगा। तो SC/ST PW डिपार्टमेंट कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन और द फीस ऑफ RS 215 के लिए होगी। ठीक है, 250 रुपये ये आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, SC/ST और गर्ल्स जो है इनके लिए ये 250 रुपये आपकी जो है फीस होगी। ठीक है, और जो ऑल अदर कैटेगरी जैसे जनरल्स है उनके लिए 500 रुपये फीस होगी। ठीक है, ये आपको 500 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, ये है जनरल की। ठीक है, और SC/ST की जो है वो ये है, ठीक है, 250 रुपये आपको ये देनी पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट है ये ऑनलाइन, आप किसी भी ATM से, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, क्रेडिट कार्ड, मास्टर रुपये, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं और जैसे अप्लाई इसकी फीस सबमिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको लग गया होगा पूरा पता, वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में इसकी दे देंगे। ठीक है, आप वहीं से आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाकर खुद लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल को, अगर वीडियो से आप संतुष्ट है जानकारी से तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस चैनल के जरिए पहुँचाते रहे। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।